Let's do question number 5th of exercise 2.3, that is whole numbers. Question number 5th is study the pattern. Hame is pattern ko study karna hai. Ye pattern is tarike se hai. Iske baad ye hai. Iske baad ye hai. Iske baad ye hai. Aur iske baad ye hai. Main isko dobara se rewrite kar deti hu. Aur aakhir mein kya keh raha hai? Write the next two steps. Iske baad ke do step aur likhne hai. Can you say how the pattern works? Aur kya aap bata sakte hai ki ye pattern kaise work karta hai? To chaliye karte hai apna pattern ek baar likh lete hai. Fir isko aage extend karenge. तो मैं पैटर्न लिख लेती हूँ. देखिए 1 × 8 + 1 = 9 है. इसी तरीके से 1 × 2 × 8 + 2 है हमारा 9 × 8. अब 1 × 3 × 8 + 3 है हमारा 9 × 8 = 7. 1 × 3 = 4 × 8 + 4 equals to है हमारा 9 × 8 = 7 = 6. then 1 × 3 = 4 × 5 × 8 + 5 है हमारा 9 × 8 = 7 = 6 and 5. right, तो next two steps कौन से हो सकते हैं? देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये पहले 1 था, फिर 1 × 2 हुआ, फिर 1 × 2 = 3, फिर 1 × 2 = 4, फिर 1 × 2 = 5. तो यहाँ क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा. अब यहाँ देखिए 8 हर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने भी यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस प्लस आ रहा है सब में, ठीक है. अब देखिए काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, अब क्या आ जाएगा? 6 इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे 9, 9, 8, 9, 8, 7, डिक्रीजिंग काउंटिंग हो रही है. राइट, तो यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5 है, तो यहाँ क्या आ गया? 9, 8, 7, 6, 5, 4 आ जाएगा. अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 × 8 + 7, तो ये कितना आ जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4 and 3 आ गया. राइट, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है? तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंटिंग है, ये 1, 1, 2, 1, 2, 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 8 हर बार हो रहा है. और यहाँ पे भी अगर आप देखें काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और लेकिन यहाँ पे काउंटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रही है. राइट, तो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द 8, इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द रिजल्ट इज कमिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसको बस आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे यही समझिए कि हमारी यहाँ पे जो काउंटिंग है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रही है, और यहाँ पे काउंटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रही है. इज द आंसर.